जय माता दी फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। आई नो आई एम क्वाइट लेट, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी विच इज़ रिलेटेड टू दिवाली। यू कैन सी द एड्स। सो क्वालिटी जो शॉर्ट स्टोरी है जॉन गाल्सवर्दी की, इसमें आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो हमें कनेक्ट करता है दिवाली से। दैट मीन्स कि दिवाली पे आपने बहुत बार ऐसे एड्स वगैरह देखे होंगे कि जिसमें ऐसे कहते हैं कि हमें क्वालिटी पे या फिर जो वर्कर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को ख़रीदना चाहिए, ना कि ये लाइटनिंग वाइटनिंग जो वैसे तैयार होती हैं या बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं। ऐसा आपने अक्सर एड्स वगैरह में देखा होगा। लेकिन इसमें जो हम शॉर्ट स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी, इसमें क्या होता है कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं वो एक ऐसे ही क्राफ्ट्समैन जो ब्रदर्स हैं, उनकी एक कहानी बताएंगे जिसमें कि वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि हमेशा ऐसा होता है कि आर्ट को हमेशा उसकी वैल्यू नहीं मिलती है, या फिर कहीं ना कहीं वैल्यू मिलती भी है तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलती है, वो हमेशा सफ़र ही करते हैं। तो हम वही देखेंगे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं किस तरीके से सफ़र करती हैं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है दैट वाज रिटन इन 1912 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी स्टडीज एंड असे इन 1912। जो स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, एक अननोन नैरेटर है, कोई ख़ास कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ नैरेटर है और वो दो ब्रदर्स हैं, उनकी ये स्टोरी बताने वाले हैं जो शू मेकिंग का काम करते हैं। यहाँ पे जो मैं काम बता रही हूँ, जैसे हमेशा फैक्ट्रीज़ वगैरह में या फिर नॉर्मली जैसे एड्स वगैरह में या फिर ब्रांड्स को लेके काफ़ी लोग पागल रहते हैं, इसलिए जो आर्ट होती है उसको जगह नहीं मिलती है कहीं पर भी। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि जो यहाँ पे सेंट्रल लंदन वेस्ट एंड की सेटिंग है इसके अंदर, और थीम वही है शू मेकिंग के लिए, उनका जो कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है और अपने काम को लेकर ऑनेस्टी है वो दिखाई गई है। साथ ही साथ में एट द एंड मतलब लॉस भी है, सैडनेस भी है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमें पता है कि इनकम के जो सोर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं क्राफ्ट्समैन के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दिया था। तो इनको लेकर, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें मशीन से आ गई और शायद उनसे भी अच्छी लगती हैं लोगों को, जो नॉर्मली जो आर्ट और उसकी वजह से तैयार की जाती हैं क्राफ्ट्समैन की से। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड है वो चारों तरफ घूमने लगा है एडवर्टाइजमेंट, और ये ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए एट प्रेजेंट, या फिर जब आप ख़रीदो तब अच्छा लगना चाहिए। तो लोगों के लिए ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, जर्मन शू मेकर्स हैं, दो भाई हैं, गेसलर ब्रदर्स हैं, माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड, जर्मन ब्रदर्स हैं ये। और ये जो गेसलर ब्रदर्स हैं ये अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं, आप ये कह सकते हो अपनी जो पूरी एनर्जी है वो अपने काम में ही वो डिवोट करके रखते हैं। और वो सिर्फ बूट्स इतने ज़्यादा नहीं बनाते, मतलब शूज़ कि वो बहुत एक्स्ट्रा हों उनके पास में, वो सिर्फ ऑर्डर्स पे ही बनाते हैं। और किस तरीके से ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, एंड में कैसे सैड हो जाती है वो भी हम देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्टोरी की। तो जो जर्मन शू मेकर्स गेसलर ब्रदर्स हैं वो स्टार्टिंग में ही उनकी शॉप का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, सबसे पहले शॉप को दिखाया जाता है जिसके बाहर गेसलर ब्रदर्स करके एक नेम प्लेट लगी रहती है, और उसमें एक विंडो होती है वहाँ पे जिसमें शूज़ लगे रहते हैं एज़ यूज़ुअल आप किसी भी शॉप पे देखते हो जैसे कि, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया वो ऑर्डर्स पे ही शूज़ बनाते हैं। तो नैरेटर जो है वो उनकी शॉप्स पे जाता है और उनसे मिलता है गेसलर ब्रदर्स से ही, और वो वहाँ पे बहुत कम जाता है क्योंकि वो जो शूज़ वहाँ से ख़रीदता है वो इतने बेस्ट क्वालिटी के होते हैं कि आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे नैरेटर जो है वो इनसे तब इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि उनके फादर भी यहीं से शूज़ लिया करते थे। एक बार क्या होता है कि नैरेटर जो होता है उनकी शॉप पे जाता है और डिमांड करता है कि मुझे रशियन लेदर शूज़ चाहिए।
ठीक है, मिस्टर गैसलर जो ब्रदर्स होते हैं वो उनको ऊपर से एक पेयर ला के बताते हैं, उनमें से एक भाई, और वो बताते हैं कि वो कैसा अच्छा पीस है रशियन लेदर का, और वहाँ पे वो कहते हैं कि लेकिन हमें कुछ टाइम लगेगा, मतलब ऑर्डर दिया है अभी कुछ टाइम लगेगा, कम से कम 2 वीक्स का, उसके बाद आप अपना ऑर्डर ले जाना। तो इसी मतलब इसी ये सब कुछ चल रहा था। एक दिन क्या होता है, नरेटर उनके बूट शॉप पे जाता है और उनको ये बताता है इन बिटवीन कि जो उसने पहले जो शूज़ लिए थे वो कुछ साउंड कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है उनमें कुछ। तो वहाँ पे जाने के बाद में जो मिस्टर गैसलर हैं ये शिकायत करते हैं जब मिस्टर गैसलर को, तो मिस्टर गैसलर थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं ठीक है तुम अपना शूज़ ले आना, अपने शूज़, और हम अश्योर करते हैं आपको हम उसे रिपेयर करके दे देंगे, और अगर नहीं हुआ वो तो हम आपको पैसे वापस दे देंगे। दूसरे दिन यही होता है, गैसलर ब्रदर्स के यहाँ पे आते हैं और उसके साथ ही साथ में न्यू पेयर जो होते हैं उसने पहन रखे होते हैं। तो यहाँ पे वो गैसलर ब्रदर्स हैं वो पहचान जाते हैं कि ये शूज़ उनके नहीं हैं, क्योंकि जो नरेटर ने जब दूसरे दिन जब वो शूज़ लेके पहुँचता है तब उसने किसी और ब्रांड के शूज़ पहने हुए होते हैं जो कहीं और से लिए होते हैं। मिस्टर गैसलर जैसा कि पहचान गए थे तो उसने सबसे पहले तो देखा कि यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होगा, ये इस तरीके से बात किया। उसके बाद में वो एक्सप्रेस करते हैं कि उनको थोड़ा बुरा भी लगा है, क्योंकि कस्टमर्स को वो जानते थे कि कस्टमर्स को लुभाने के लिए कई लोग जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, अपने इन्फीरियर गुड्स को बेचते हैं, लेकिन हम इस ऐसे कोई भी सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो नरेटर समझ गए थे कि कहीं ना कहीं से बुरा लग रहा है, तो उसने अपनी जो भी स्टोरी थी कि किन सरकमस्टेंसेस के तहत उसने ये शूज़ लिए थे, मतलब वो खुद भी गैसलर ब्रदर्स के ही शूज़ लाइक करता है लेकिन ये कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से उन्होंने ये शूज़ कहीं और से लिए थे। तो अब क्या होता है कि 2 साल तक वो जो शूज़ का ऑर्डर दिया था उसके बाद में वो रशियन लेदर शूज़ वो 2 साल तक चलते हैं, मतलब उसको 2 साल तक जूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में जब नेक्स्ट विजिट करता है नरेटर तो उसे एक शॉक लगता है, उसे ये पता चलता है कि वहाँ पे यंगर गैसलर ब्रदर तो था लेकिन एल्डर नहीं था, क्योंकि एल्डर की डेथ हो गई थी। उसको बहुत बुरा लगा तो उसने सोचा कि कुछ हेल्प भी हो जाएगी, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा मतलब सेवरल पेयर्स ऑफ शूज़ का उसने ऑर्डर दे दिया नरेटर ने। तो लेकिन अब उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एक तो ज़्यादा पेयर्स थे और साथ ही साथ में उसको भाई की हेल्प भी नहीं मिल रही थी क्योंकि ही इज़ नो मोर। तो यहाँ पे उसको टाइम तो लगा था लेकिन क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं, क्वालिटी दिन ब दिन बेटर ही हो रही थी और अच्छी क्वालिटी के शूज़ वो प्रिपेयर करके देते थे। फिर क्या होता है कि उस इंसिडेंट के बाद में जो नरेटर था वो एब्रोड चले जाते हैं और 1 साल के बाद में वापस आते हैं। तो उनका मन करता है कि सबसे पहले मिस्टर गैसलर्स के से ही मुलाकात करनी चाहिए, तो वो उनकी शॉप पे जाते हैं। तो जो मिस्टर गैसलर थे यंगर, तो वो 75 के हो गए थे और उन्होंने उसको रिकग्नाइज़ भी नहीं किया नरेटर को, मतलब थोड़ा टाइम लगा था रिकग्नाइज करने में। नरेटर जो थे उसने एक ह्यूज ऑर्डर दिया और उसके बाद में उन्होंने और वेट किया, मतलब उनकी एज भी ज़्यादा हो गई थी तो अब ऑर्डर कंप्लीट करने में और भी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन क्वालिटी और अच्छी थी। तो 1 वीक के बाद में वो वहाँ से निकल रहे होते हैं उस स्ट्रीट से, तो नरेटर सोचता है कि क्यों ना मैं मिस्टर गैसलर से मिलाऊं और साथ ही साथ में ये भी बोल दूं कि आपके जो भी शूज़ प्रिपेयर किए हुए होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, तो अप्रिशिएट कर देता हूँ। तो लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जाता है उस शॉप के सामने, तो वो देखता है कि शॉप का जो नेम प्लेट है वो चेंज हो रखी है, मतलब वो नेम प्लेट नहीं है गैसलर ब्रदर्स करके, अब कोई और है वहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करता है और उसके बाद में वो शॉप के अंदर जाता है तो वो शॉप के अंदर एक यंग इंग्लिश फेस को देखता है, एक इंग्लिश मैन को देखता है। तो वो उसको ग्रीट करता है, उसके बाद में देखता है कि ये किस तरीके से उसे पूछता है कि मिस्टर गैसलर वगैरह और ये सब कहाँ, मिस्टर गैसलर कहाँ हैं। तो उसे ये बताता है जो इंग्लिश मैन है कि गैसलर जो था वो मर चुका है। अब ये जब नरेटर को पता चलता है तो नरेटर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो और उसके बाद में जो इंग्लिश मैन था ये भी एक्सप्लेन करता है कि गैसलर जो थे वो जो था वो जो एक ब्रदर बचा हुआ था वो इस वजह से मर गया, ओनली बिकॉज ऑफ स्टारवेशन।
तो क्योंकि वो इतने ज़्यादा शूज़ वगैरह बनाने में इतना बिजी रहता था, इतना डिवोटेड था वो अपने काम को लेकर कि वो और किसी चीज़ पे ध्यान देता ही नहीं था। और उसका जितना भी पैसा होता था शूज़ मेकिंग से जो कमाता था वो रेंट्स और लेदर वगैरह खरीदने में ही स्पेंड कर देता था। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग से ही देखा था ऐसा तो होना ही था, वो इतने डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर, फिर कुछ ज़्यादा शूज़ भी नहीं बनाते, ओनली ऑर्डर्स पे ही बनाते हैं वो, तो ये तो होना ही था उनके साथ में। लेकिन यहाँ पे नैरेटर और यंग मैन को बहुत ही बुरा लगता है और इस चीज़ को लेकर लेकिन वो दोनों एग्री हैं कि गेसलर ब्रदर्स वाकई में गुड क्वालिटी शूज़ बनाते थे, बहुत अच्छे। और हमें इसमें यही पता चलता है गेसलर ब्रदर्स के बारे में कि वो अपने काम को लेकर कितने डिटर्मिनेट थे, कमिटेड थे। ठीक है फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।